से भाई पूरे कपड़े उतार दे गए। तो हे गाइस वेलकम बैक टू वीके व्लॉग्स। टुडे इज डे 3 इन द नांग। गला और खराब होते जा रहा है धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन इस गले की हालत बुरी होती जा रही है। नहीं नहीं ये मत समझना मुझे कोई ऐसी वैसी बीमारी हो गई कि हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। चलो आज हम आ गए मार्बल माउंटेन, जो एक बहुत ही खास अट्रैक्शन है यहाँ का। और यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर जाके बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे मेरे पीछे मैप बना हुआ है, काफ़ी सारी साइट्स हैं यहाँ पे देखने लायक और केव्स हैं। एंड ऊपर जाके हम लिफ्ट से भी जा सकते हैं, उसके थोड़े से एक्स्ट्रा डोंग देने पड़ते हैं। और ऊपर जाके वो है टेम्पल्स हैं, पगोडास कहते हैं इनको, वो देख सकते हैं। सो अभी चलते हैं ऊपर, उसके बाद देखते हैं यहाँ का क्या मॉल है। यहाँ पे ना ऊपर जाके मार्बल माउंटेन्स का एक खास बात ये भी है कि आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते हैं शहर के, तो वो आप मिस मत करना है यहाँ पे आके। हमें थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि आज थोड़ा उठने में देरी हो गई, बट आप आए हैं तो फिर इसको ज़रा एक्सप्लोर करके चलते हैं। तो जी एलिवेटर की हमने टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं ऊपर। अब The Marble Mountains are a group of 5 stunning peaks located in Da Nang, each of which symbolizes one of the 5 elements of the universe, which are metal, wood, water, fire, and earth. The marble used in the construction of the Marble Mountains was formed from a sedimentary rock more than 200 million years ago and is prized for its beauty and durability. These marble mountains are considered a symbol of national pride and are testament to the rich culture and spiritual heritage of Vietnam. Let me also tell you a very interesting fact. During the Vietnam War, the Marble Mountains served as a significant military base for the South Vietnamese Army, and some of the caves were also used as hospitals and command centers. अभी तक 2-3 केव देखी यहाँ पे। अंदर जाना बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत स्लिपरी है, ऑब्वियसली केव के अंदर पानी होता है। बट एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अंदर आपको अलग अलग स्कल्पचर्स मिलते हैं बुद्धा के, और इनके रिलीजन और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो अगर आप यहाँ पे हैं मार्बल माउंटेन आपको ज़रूर आना चाहिए, इट्स हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि एक तो सीनिक बहुत ज़्यादा है, इट्स ऑन द फकिंग टॉप ऑफ माउंटेन, और ऊपर से जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मार्बल माउंटेन्स की केव देखने के बाद हम गए रिवर वॉचिंग टावर की तरफ, जहां से आप बहुत ही अच्छा सिटी व्यू ले सकते हैं। द हिल्स आर मेड अप ऑफ मार्बल एंड आर रिच इन केव्स, बुद्धिस्ट श्राइन्स एंड पगोडास, मेकिंग देम अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर बोथ टूरिस्ट्स एंड लोकल्स अलाइक। अभी हमारा ख़त्म हो गया मार्बल माउंटेन का ट्रिप, हम एकदम मेन रोड पे एग्जिट कर दिए हैं। अच्छा, अगर आपको आसपास पत्थर वत्थर खरीदने का शौक हो और आपके पास बजट हो पैसा हो, तो आप यहाँ पे बहुत ही बड़ी मार्केट है, स्टोन मार्केट है, आप यहाँ पे आराम से शॉपिंग कर सकते हो और छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स भी मिल जाएंगे। उसके आसपास भी बहुत अच्छी मार्केट है, कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है मार्बल माउंटेन्स का, तो वहाँ से भी अगर आपने सोवेनियर्स और वो सब खरीदने तो अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे।
और ऐसा लग रहा है कि हम गलत बाहर आ गए, बट आए नहीं है, हम बस दूसरी साइड को बाहर निकले गेट नंबर 1 पे। अब हम जाएंगे नाइट मार्केट, हमने एक तो सामान उठाने थे, उसके बाद हमने आज रात को ड्रैगन ब्रिज में से आग निकलते हुए देखनी, कल हमने मिस कर दिया, हम भूल ही गए थे, कल फ्राइडे, मेरे को लगा कल थर्सडे, बड़ा सैटरडे है, आज भी निकलेगी उसके मुंह से आग। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगले आग के गोले। हम आ गए यहाँ पे मसाज करवाने, मसाज के अलग अलग रेट्स हैं यहाँ पे, आप फुट नेक और शोल्डर की मसाज होती है, फुल बॉडी तो ऑब्वियसली स्पा पार्लर्स पे होती है, बट अभी हम यहाँ पे लोकली जब करवा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा आप नेगोशिएट कर लेना तो आपके लिए बेटर है, 30 मिनट 15 मिनट आप अलग अलग, उनके पास टाइमिंग है और अलग अलग रेट है, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या करवाना चाहते हो, बट अच्छा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आके कराओगे मज़ा आएगा, सस्ता है भाई। The dragon shape was chosen to reflect Vietnamese culture and the beliefs of the local people, as the dragon is considered a symbol of power and prosperity in Vietnamese mythology. मेरे पीछे इस समय दनांग का सबसे famous dragon bridge, मतलब इतना खूबसूरत है, जहाँ जाओ आपको ये जरूर दिख जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे 2-3 bridges और भी है लाइन से, अगर आप उधर की साइड देखेंगे तो एक ब्रिज और है इसके पीछे, वो सीलिंग जैसा, उसके पीछे जायंट व्हील है यहाँ का, और मेरे पीछे है सिटी की स्काई लाइन, और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे एक मैरियट होटल भी है जिसमें बहुत ही अच्छी लाइट जलती है, ये रहा मेरे पीछे। सो यहाँ पे आप आ रहे हो दनांग में और आप यहाँ नहीं आए तो लानत, यहाँ पे आपको आना पक्का पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्रिज की लाइट्स चेंज होती हैं थोड़ी थोड़ी, ये लो नाम लिया और हाजिर, लाइट्स हो गई चेंज, और ये 3-4-5 कलर में कन्वर्ट होती रहती हैं, और अभी थोड़ी देर में होगा यहाँ पे फायर शो, यहाँ पे ड्रैगन का जो मुंह है यहाँ पे, ये रहा, इसके अंदर से आग निकलेगी, तो उसके लिए हम वहाँ पे एक लव लॉक ब्रिज है वो जहाँ पे दिल बने हुए, वहाँ जाएंगे, वहाँ से खड़े होकर रिकॉर्ड करेंगे तो व्यू बेटर रहेगा। सो ड्रैगन ब्रिज इन दानांग, अम्मी जी One of the most popular attractions of the Dragon Bridge is its fire and water show, which takes place every weekend at 9 p.m. During this show, the dragon's eyes light up, steam shoots out of his nostrils, and the jets of water shoot into the air in an impressive display of fire, water, and light. This bridge is 666 meters long, making it one of the longest bridges in Vietnam and is capable of supporting up to 1500 people at a time. So, ye tha yahan ka dragon show. बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ये एक दूसरा ड्रैगन, ड्रैगन बॉल जी बहुत भीड़ थी यहाँ पे, अभी फाइनली अब शो छूटा है तो भैया लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं, मतलब जहाँ जो करना करने वो जा रहे हैं। इस व्लॉग में अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी जो करना है करो, मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है ख़त्म, मैंने आपको जितना दनांग दिखाना था मैंने दिखा लिया, जितना मैं खुद देख सकता था मैंने देख लिया। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बाना हिल्स क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए हम बाना हिल्स अवॉइड करें। यहाँ पे मैंने जो चार लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो देयर, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। मेरी बहुत मन था वो गोल्डन गेट, गोल्डन ब्रिज देखने का, बट वो नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, ऑलवेज सम फ्यू थिंग्स शुड बी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, आपने ट्यून इन करा, आपने देखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर दीजिए, अगर कोई आपका दोस्त दनांग या फुकॉक घूमने जा रहा हो, 5-6 वीडियोस बनाई है मैंने शायद ज़्यादा ही इस सीरीज़ में, तो प्लीज़ एक्सटेंड योर सपोर्ट एंड ऑल्सो लुक आउट फॉर मोर वीडियोस, आई हैव सम ग्रेट कंटेंट आइडियाज इन माय माइंड व्हाइल आई एम हियर, सो और भी आने वाली वीडियोस हैं, प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।
वैसे तो वियतनामी कॉफी बहुत अच्छी है, बट अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉफी शॉप्स हैं, तो यहाँ पे स्टारबक का रिपोर्ट है आइलैंड कॉफी में आ जाना, सबसे सेफ ऑप्शन है।